आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टॉपर सिंट पर। बहुत ही अच्छा आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे वीडियो को लाइक भी कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो आज हम लोग भारत के प्रमुख लोक नृत्य को लेकर आए हैं, फॉक डांस जो होता है। ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से स्टेटिक जीके का है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसीलिए आपको इसको बहुत ध्यान से देखना है। और ये जो है पूरी ट्रिक बेस है, पूरा आपको याद करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको ये कभी याद नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ ट्रिक के ही माध्यम से आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग बात करते हैं इसमें। हम लोगों का जो पहला राज्य है वो है गोवा। गोवा स्टेट की अगर हम फॉक डांस के बारे में बात करें तो इसमें दो जो फॉक डांस हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहले नंबर पर है दिवाली नाच और दूसरा है ढालो। यहाँ पर मैंने नाव लिख दिया, ये नाच होना चाहिए भैया, इसको आप सही कर लीजिएगा। ये जो है ये नाच होना चाहिए, नाव नहीं होगा। तो पहला जो है दिवाली नाच है और दूसरा है ढालो। ये दो जो डांस हैं ये आपके कहाँ पर हैं, गोवा के हैं। अब इनकी जो ट्रिक है आपको याद करने के लिए वो है, लॉकडाउन होने के कारण गोवा की दिवाली ढल चुकी है। देखो आपको पता है इस समय लॉकडाउन लगा हुआ है, तो लॉकडाउन के चलते गोवा की जो दिवाली है वो ढल चुकी है। अब आपकी ट्रिक भी यही है, जो यहाँ पर दिवाली ढाल लिखा है तो दिवाली से आपका हो जाएगा दिवाली नाच और ढाल से आपका हो जाएगा ढालो, ठीक है ना। ट्रिक अगर समझ में आई है तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देख लीजिए नीचे मैंने लिखा है कि दिवाली से हो जाएगा दिवाली नाच और ढल से हो जाएगा ढालो। सिर्फ इतना याद रखना है कि लॉकडाउन होने के कारण गोवा की दिवाली ढल चुकी है, समझ में आ रहा है, ठीक है। ट्रिक लिख लीजिएगा, एक दो बार आप ट्रिक पढ़ोगे याद हो जाएगा, आपको कोई विशेष नहीं याद करना है। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। अब देखो कुछ लोग अगर ट्रिक से नहीं याद करना चाहते हैं तो आप वैसे ही याद कर लो तो वो सबसे अच्छा है, ट्रिक के चक्कर में ना पढ़ो तो सबसे बढ़िया है। बाकी अगर आप ट्रिक को देख लेते हो तो आपका वैसे ही क्लियर हो जाना, इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं असम की। तो असम में तीन डांस सबसे ज्यादा फेमस हैं, जिसमें से जो ये बिहू है ना ये सबसे ज्यादा मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है इसके बारे में। तो असम में तीन है, देखो अगर मैं थोड़ा जल्दी कर देता हूं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नहीं तो अगर आपके पास कॉपी पेन है तो आप कॉपी पेन से भी लिख सकते हो। लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि जब आप लिखोगे तो आपके दिमाग में ये डिक्टो कॉपी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो असम में तीन है, कौन कौन से हैं, बिहू है, बागुरंबा है और भोरताल है। ये तीन फॉक डांस हैं जो असम से आपको याद करने हैं। इसकी ट्रिक नीचे दी हुई है, आप ध्यान से ट्रिक को देख लीजिए। क्या है ट्रिक, सिंपल सी ट्रिक है, देखिए असम के बिच्छू ने बेगम रंबा को भोर के समय काट लिया, ठीक है। जैसे भोर आपको समझ में आया तो भोर का मतलब क्या होता है, यानी भोर के समय इन्होंने काट लिया, सिंपल सी बात है ना। असम के बिच्छू ने बेगम रंबा को भोर के समय काट लिया। अब अगर हम बात करते हैं तो बिच्छू से हमारा हो जाएगा बिहू, बिच्छू से हो गया बिहू, बेगम रंबा से हो गया बागू रंबा और भोर से हो गया भोरता। अब बताइए कितने लोगों को समझ में आ रही है ट्रिक, अगर पसंद आ रही है तो आप लाइक जरूर करेंगे और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको शेयर करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि नॉलेज जो होती है वो बांटने से ही बढ़ती है। तो शेयर करिएगा, जो लोग सब्सक्राइब नहीं कर पाए सब्सक्राइब करिए, आपको ऐसे ही ट्रिक मिलेंगे हर एक टॉपिक का। चलिए गुजरात, गुजरात की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर भी तीन डांस बहुत फेमस हैं। सबसे ज्यादा जो इसमें फेमस है वो दो डांस है, एक है आपका गरबा और दूसरा है डांडिया। ये दोनों आपको बहुत ही ज्यादा याद रखना है। ये जो डांडिया जो है, आप कभी भी जाओगे गुजरात में तो आपको दीपावली के समय आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी वहां पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गरबा, रास और डांडिया, अब हम लोग इसकी ट्रिक देखते हैं। इसकी ट्रिक सबसे ज्यादा सिंपल है, जो आपका गुजरात है इसकी जो गुजरात में जो चार वर्ड लिखे हैं इन्हीं के बीच में आपको ये मिल जाएंगे। जैसे गु से हो गया गरबा, ज आपका साइलेंट है, रा से हो गया रास और ता से हो गया तांडिया। तो तांडिया को हम लोग किससे रिलेट कर लेंगे, डांडिया से। यहां तक क्लियर है, चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये ट्रिक पसंद आ रही है, और अगर पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक जरूर करिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिए। जब हम कल की वीडियो लाएंगे तो उसमें एमसीक्यू के बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, तो आपको एमसीक्यू भी आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो गुजरात में मुझे पता लग गया कि क्या होगा, ग से हो जाएगा गरबा, ज हमारा साइलेंट है, रा से हो जाएगा रास और ता से हो जाएगा तांडिया, यानी कि डांडिया हो जाएगा हम लोगों का। तो पहले बताइए यहां तक क्लियर है सबको, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग राजस्थान।
राजस्थान में चार लोक नृत्य सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें सिर्फ घूमर, सुईसिनी, कठपुतली और पनिहार, ये चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इनको याद रखिएगा, बहुत बार पेपर में आया है ये, तो चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे की तरफ हम बढ़ें, अगर इनकी ट्रिक के बारे में हम देखें तो इसकी भी ट्रिक बहुत ही सिंपल सी है। देखो, इसमें आपको क्या करना है, एक कहानी याद रखनी है। कहानी कैसे है, मैं अपनी कहानी अगर बताऊं, मैंने अपनी कहानी से रिलेट कर दिया इसको। जब मैं राजस्थान में घूम रहा था तो मुझे उस जगह की गर्मी सुई की तरह चुभ रही थी, जिससे मुझे प्यास लग गई और मैं पानी पीने लगा। तभी मैंने एक जगह कठपुतली नृत्य होते देखा, ठीक है, यानी जब मैं राजस्थान में टहल रहा था या घूम रहा था तो मुझे उस जगह गर्मी, जो उस जगह की गर्मी थी, सबको पता है राजस्थान में बहुत गर्मी होती है, तो वो जो गर्मी थी वो सुई की तरह मुझे चुभ रही थी, जिससे मुझे प्यास लग गई, गर्मी में प्यास लगी जाती है, और मैं पानी पीने लगा। तभी मैंने एक जगह कठपुतली नृत्य होते देखा। देखो, जितना ये ब्लू कलर में मैंने दिया है, ये देख लीजिए, ये जो आपके पास ब्लू कलर में है ना, जैसे आपका घूम, सुई, पानी, कठपुतली, बस यही चार आपके लोक नृत्य हैं। घूम से हो जाएगा घूमर, सुई से हो जाएगा सुईसिनी, पानी से हो जाएगा पनिहारी, और कठपुतली नृत्य से हो जाएगा कठपुतली नृत्य। अगर ये कहानी, ये ट्रिक अगर आपको समझ में आई है तो आप लाइक जरूर करिए। देखो, अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आ रही है तो बिल्कुल भी लाइक मत करिए, लेकिन अगर आपको पसंद आ रही है तो बिना लाइक किए हुए आप वीडियो एंड मत करिएगा। समझ में आई बात? ठीक है, तो मुझे लग रहा है राजस्थान की क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। बस कहानी है, सिंपल सा याद कर लो, दिन में 2-3 बार ये कहानी को दोहराइए, ट्रिक आपको वैसे ही याद हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग तमिलनाडु की। तमिलनाडु में तीन जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस तीन में एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है भारत नाट्यम। आपको इसके बारे में भी पढ़ना है। तमिलनाडु में तीन, भारत नाट्यम, पुलियट्टम और कुमी, ये तीन फोक डांस होते हैं। इसके बारे में हम ट्रिक के बारे में अगर देखें तो, भारत तुम पुलवामा जाओ और कुमकुम से मिलो। एक भारत कोई लड़का है, उससे कोई कहता है कि तुम पुलवामा जाओ और वहां पर तुम कुमकुम से मिलो। एक कुमकुम नाम की कोई लड़की है, उससे कहा कि तुम जाके मिलो। तो भारत से हमारा हो जाएगा भरतनाट्यम, पुलवामा से हो जाएगा पुलियट्टम, और कुमकुम से हो जाएगा कुमी नृत्य। जिसको भी समझ में आ रहा है ये वीडियो, प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए अपने जितने भी फ्रेंड हैं, ठीक है, और सब्सक्राइब करिए। नीचे रेड कलर की बटन है जिसपे लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उसको क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। केरल, केरल में अगर बात करें तो ये सबसे सिंपल है, इसमें तो मुझे लग रहा है ट्रिक की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको एक बात याद रखना है, इसमें केरल में जो है थिरवा थिराकली, पुलिकली, कथकली और कोलकली। अगर हम बात करें किसी भी डांस के पीछे, अगर आपको कली दिख जाए तो ये आपके कहाँ की है, केरल की है। ट्रिक में भी लिखा है केरल की कली। अगर आपको किसी भी फोक डांस में पीछे कली दिख जाए तो वो आपका कौन सा हो जाएगा स्टेट, वो केरल हो जाएगा। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा? ठीक है, आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। जो लोग नोट्स नहीं लिए हैं, कॉपी वगैरह नहीं बनाए हैं, वो कोशिश करिएगा कि इसी वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा, घुमा घुमा के 2-3 बार देख लोगे, आपको वैसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कोई ट्रिक मैंने नहीं बनाई, क्योंकि इसमें एक ही डांस ऐसा है जो इंपॉर्टेंट है, वो है कुचिपुड़ी। ठीक है, आंध्र प्रदेश में है कुचिपुड़ी, तो याद रखिएगा इस चीज को। इसकी ट्रिक भी है, अगर चाहो तो मैं बता दूं कि अंधेरे में रमेश ने कच्ची पूड़ी खा ली। अंधेरे भाई, जैसे आप अंधेरे में कुछ खाने के लिए बैठोगे तो आपको क्या पता कि ये पूड़ी कच्ची है, देखने से तो पता नहीं लगेगा क्योंकि आप देख ही नहीं पा रहे उस समय। तो क्या हुआ कि रमेश ने अंधेरे में कच्ची पूड़ी खा लिया, तो अंधेरे से हो जाएगा आंध्र प्रदेश और कच्ची पूड़ी से हो जाएगा कुची पूड़ी। तो आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हो, लेकिन मैंने लिखना जरूरी नहीं समझा क्योंकि एक ही है, तो आपको आंध्र प्रदेश से कुची पूड़ी तो याद ही हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। चलिए पंजाब, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पंजाब से ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि इसमें दो ही फोक डांस हैं तो बहुत सारे फोक डांस, मतलब इतने फोक डांस हैं कि क्या बताएं भाई, क्योंकि फोक डांस की कोई सीमा नहीं होती है, बहुत ज्यादा फोक डांस होते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आए हैं या आते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, वो यही दोनों हैं। एक है आपका गिद्धा और दूसरा है भांगड़ा। इसकी ट्रिक बहुत ही सिंपल है, मजेदार है। पंजाब में गिद्ध ने भांग खा लिया, क्या हो गया, पंजाब में गिद्ध ने भांग खा लिया, तो गिद्ध से हो जाएगा गिद्धा और भांग से हो जाएगा भांगड़ा। तो ये जो दोनों फोक डांस हैं ये कहाँ के हैं, पंजाब के हैं। यहां तक क्लियर है? ठीक है, चलिए अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा,
और नहीं पसंद में आ रहा है तो मैं आपसे कहूंगा भी नहीं कि आप इसको लाइक करिए। अगर कुछ इसमें सुधार हो सकता है तो आप कमेंट में लिखिए कि सर इस चीज़ की सुधार होनी चाहिए, आपको वीडियो में ये चीज़ थोड़ी सी मुझे समझ में नहीं आती है, या थोड़ा सा जो लिखावट है ये छोटा है या लिखावट बड़ा है, कुछ भी अगर आपको कमेंट करना है तो आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छी लग रही तो आपको जरूर कमेंट करना कि सर बहुत अच्छी आप वीडियो बना रहे हो, आपकी वॉइस क्लियर है, आवाज़ क्लियर है, वीडियो की क्वालिटी अच्छी है, सारी चीज़ें लिखा करो, क्योंकि इससे क्या होता है कि मैं और भी मोटिवेट हूँगा और आपको और अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आऊँगा आपके पास, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो किसी भी पेपर में। यहाँ तक क्लियर है। अब एक अगला जो है झारखंड, तो झारखंड में एक ही डांस है जो इम्पोर्टेंट है और वो है छऊ। तो इसके लिए भी हमने एक ट्रिक बनाई है, क्या है, झाड़ू मैं छितराऊं। यानी आपने देखा जो आपके घर में झाड़ू होती है उस झाड़ू को क्या करना है, छितरा देना है। तो यानी किसी बच्चे ने कहा कि झाड़ू मैं छितराऊं, तो झाड़ू से हो जाएगा झारखंड और छितराऊ से देखो क्या फीलिंग आ रही है, छऊ आ रही है, छितराऊं छऊ। दो तीन बार कहोगे पता लग जाएगा, झाड़ू मैं छितराऊं तो झारखंड से छऊ हो जाएगा। क्लियर होगा ना सारी चीजें। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला है कर्नाटक। कर्नाटक में एक ये है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इसमें कर्नाटक के बारे में अगर हम बात करें तो यक्षगान, देखो यक्षगान जो है कर्नाटक का है और इसके बारे में सुना जाता है कि पहले एक यक्ष और यक्षिणी होते थे, इन दोनों की प्रेम कहानी जो है बहुत ही ज्यादा फेमस है। कहा जाता है कि यक्ष और यक्षिणी जो थे तो ये बात कैसे करते थे, क्योंकि दोनों के बीच में एक पहाड़ आता था, एक पर्वत था, तो एक तरफ यक्ष खड़ा होता था और दूसरी तरफ यक्षिणी खड़ी होती थी। तो ये कहा जाता है इस कहानी में कि जो यक्ष था, भाई पहले फोन तो था ही नहीं कि मैसेज किया, मिस कॉल की, व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे चैट कर रहे हैं, ऐसा पहले था नहीं। तो कहा जाता है कि जो यक्ष था वो पर्वत के इस साइड से कुछ बोलता था, तो जो बादल ऊपर होते थे ना, जो बादल जो वर्षा वाले होते थे, वो बादल उसकी बातों को सुन लेते थे, और जब पर्वत को क्रॉस करके दूसरी साइड में जाते थे तो यक्षिणी को वो बात बता देते थे कि हाँ बादल ने कहा, और फिर उधर से जो होता था यक्षिणी जो कहती थी वो बादल लेकर इधर आ जाती थी। ठीक है, तो ये यक्ष और यक्षिणी की जो प्रेम कहानी है ना, ये बहुत अच्छी कहानी है ये। ठीक है, कभी पढ़िएगा अगर टाइम मिलेगा आपको। तो यही जो यक्षगान है ये कहाँ पर होता है, किस स्टेट में होता है, तो ये होता है आपका कर्नाटक में होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो आप लाइक करिएगा और कमेंट में लिखिएगा बहुत अच्छी ट्रिक थी सर, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। अगर देखो अगर आप इसको एक दो बार और देख लोगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बाकी कल के सेक्शन में हम लोग MCQ लेकर आएंगे, ठीक है, 15 MCQ जो मैं हर बार करवाता हूँ आपके पास। तो कल आप लोगों को MCQ करना है, और MCQ करने से पहले आपको ये सारी ट्रिक्स पढ़ लेनी है। जो लोग कॉपी कलम साथ में नहीं लिए हैं वो कोशिश करें कि इसी वीडियो को दो तीन बार देखें पीछे आगे करके, क्योंकि ज्यादा बड़ी वीडियो है नहीं, आप देख सकते हो, तो आप इसको दो तीन चार बार देखिए, और देखने के बाद आपको वैसे ही ट्रिक याद हो जाएगी। तो जब कल हम MCQ 15 लेकर आएंगे तो आप कोशिश करिए कि आपके जो नंबर आए वो 15 out of 15 है। ठीक है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आप लोगों को बहुत बहुत थैंक्स, आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग सब्सक्राइब भी कर रहे हैं चैनल को, आप लोग लाइक भी कर रहे हैं, आप लोग मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट कर रहे हैं, और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहूंगा। ठीक है, जो लोग मेरी पिछली वीडियोज नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में जाएंगे, उनको सारी वीडियोज मिल जाएंगी। क्लियर है ना भैया। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।